वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये बात हकीकत है कि दुनिया के अंदर किसी अच्छे या बुरे अमल का बदला दिया जाना मुमकिन नहीं। मसलन अगर एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया है तो उन 100 इंसानों के कत्ल के बदले में आप उस एक इंसान को क्या सजा दे सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा यही सजा दे सकते हैं कि उस इंसान को भी कत्ल कर देंगे तो वो उसका कत्ल होना तो एक इंसान का बदला है, बाकी 99 इंसानों की मौत का तो बदला नहीं है। बाकी 99 इंसानों की कत्ल का जिम्मेदार कौन है? 1,00,000 इंसानों का अगर किसी ने कत्ल किया है उसको अगर सजा आज की अदालत देती है तो उसके बदले में उसे एक को कत्ल कर दिया जाएगा तो वो 1,00,000 में से एक इंसान के बदले में एक आदमी कत्ल हुआ, बाकी इंसानों का बदला कौन देगा? ये अल्लाह तबारक व ताला ही की अदालत होगी कि आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला 100 के कातिलों को 1,00,000 के कातिल को अल्लाह तबारक व ताला पूरा पूरा बदला देंगे। इसलिए कुरान करीम में फरमाया कि हम उनके जिस्मों की जिल्दों को बदल बदल कर उनको सजा देते रहेंगे, बार बार उनको वहाँ कत्ल करते रहेंगे, बार बार जिंदा करते रहेंगे। और ज़ाहिर है कि ये कुदरत अल्लाह तबारक व ताला के पास है कि मारने के बाद दोबारा जिंदा करके फिर दूसरे इंसान के बदले में कत्ल किया जाए, फिर दोबारा जिंदा करके तीसरे इंसान के बदले में कत्ल किया जाए। दुनिया के अंदर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से किसी अच्छी नेकी का बदला दुनिया के अंदर शाबाश कह के हम दे देते हैं, दुनिया के अंदर कोई इनाम पैसा दौलत देकर दे देते हैं, हालांकि नेकी तो एक ऐसा अमल था कि जो कि दायमी था, जो फना होने वाला नहीं था, वो तो दुनिया से आखिरत तक कायम रहने वाला था। और बदला आपने दुनिया की एक फानी चीज दे दी, आपने चंद हजार डॉलर दे दिए, आपने एक अवार्ड दे दिया, आपने एक बहुत बड़ा कार्ड लगा दिया दीवार पे उसके नाम का, आपने उसको शाबाश दे दी, आपने उसका माथा चूम लिया, तो ये दुनिया के वो इनामात आपने दिए हैं कि जो सब के सब फानी हैं, जबकि उसकी जो नेकी है वो तो बाकी रहने वाली है, वो तो बाकियात तो सालेहात है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसका एक दायमी नेकी का बदला फ़ानी चीज़ कैसे बन सकती है? यह अल्लाह तबारक व ताला ही की जनाब है, यह अल्लाह तबारक व ताला ही की ताकत होगी कि आखिर में अल्लाह तबारक व ताला उस नेकी का ऐसा बदला देंगे। जाहिर है कि नेकी अब्दुल आबाद रहने वाली है तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसी जन्नतें अता कर देंगे जो जन्नतें भी अब्दुल आबाद तक बाकी रहेंगी।